1780 में आज ही के दिन भारत का पहला अंग्रेजी अखबार बंगाल गजट पहली बार प्रकाशित हुआ था। बंगाल गजट को एक अंग्रेज जेम्स अगस्टन हिक्की ने कोलकाता से अंग्रेजी भाषा में निकाला था। बंगाल गजट को हिक्कीज गजट भी कहा जाता है। ये चार प्रश्नों का अखबार हुआ करता था और सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता था। हिक्की भारत के पहले पत्रकार थे जिन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश सरकार से संघर्ष किया। हिक्की ने बिना डरे अखबार के जरिए भ्रष्टाचार और ब्रिटिश शासन की आलोचना की, जिसकी वजह से उन्हें भारत छोड़ने के फरमान के तौर पर अंजाम भुगतना पड़ा। ब्रिटिश शासन की आलोचना करने की वजह से बंगाल गैजेट को जब्त कर लिया गया था और 23 मार्च 1782 को अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया गया। 1970 में आज एक दिन भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज और एथेंस ओलंपिक 2004 के रजत पदक विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म हुआ था। वह पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद एकल रजत पदक जीता है। उनसे पहले ब्रितानी मूल के भारत में जन्मे नॉर्मन प्रिचर्ड ने 1900 के ओलंपिक में 2 रजत पदक जीते थे। 1990 में जब वे भारतीय सेना में मेजर थे तब उन्हें भारतीय सैन्य अकेडमी से सोर्ड ऑफ ऑनर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने निशानेबाजी में अपना करियर बनाया। 2002 में मैनचेस्टर में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया और एकल डबल ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद निशानेबाजी में उनका पदक जीतने का सिलसिला जारी हो गया। आखिरकार 2004 के एथेंस ओलंपिक की डबल ट्रैप निशानेबाजी प्रतियोगिता में उनका निशाना सिल्वर मेडल पर लगा। इसके बाद से ही उन्हें न केवल शोहरत मिली बल्कि उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। 2014 में राजवर्धन सिंह राठौर ने जयपुर ग्रामीण सीट से लोकसभा के चुनाव लड़ा और सांसद चुने गए। केंद्र में बीजेपी की सरकार में राज्यवर्धन सिंह राठौर को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री बनाया गया है। 1996 में आज एक दिन फ्रांस के राष्ट्रपति जैक शिराक ने घोषणा की थी कि फ्रांस अब परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं करेगा। इस घोषणा से पहले फ्रांस ने दक्षिण प्रशांत महासागर में अपना 6वां और सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण किया था। 1995 में जून के महीने में फ्रांस ने घोषणा की थी कि वो परमाणु परीक्षणों को बहाल करेगा। इस घोषणा के बाद दुनिया भर में हंगामा मच गया और फ्रांस का विरोध होने लगा। कई जगहों पर फ्रांसीसी उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। यूं तो फ्रांस ने 8 परमाणु परीक्षण करने की योजना बनाई थी लेकिन बाद में विरोध के चलते परीक्षणों का कार्यक्रम बीच में ही बंद कर दिया गया। राष्ट्रपति शिराग ने परीक्षणों को जायज ठहराते हुए परमाणु हथियारों को विचार विमर्श का हथियार और शांति का औजार बताया था। इसके साथ ही फ्रांस ने यह भी घोषणा की कि वो बिना शर्त अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करेगा। फ्रांस के इस परमाणु परीक्षण की क्षमता 120,000 टन के परंपरागत विस्फोटक के बराबर थी जो अमेरिका के द्वारा जापान के शहर हिरोशिमा पर 1945 में गिराए परमाणु बम से 6 गुना ज्यादा थी। और 2000 में आज एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने राष्ट्र के नाम अपने अंतिम संदेश में ईरान, इराक और उत्तरी कोरिया को दुनिया में दुष्टता की धुरी करार दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने आरोप लगाया कि ये 3 राष्ट्र चरमपंथियों की मदद कर रहे हैं और महाविनाश के लिए हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस भाषण के दौरान बुश ने उत्तरी कोरिया को एक ऐसी सत्ता बताया जो अपने नागरिकों को भूखा रखकर मिसाइलों सहित महाविनाश के अन्य हथियारों को पाने की कोशिश कर रही है। हालांकि बुश ने अपने भाषण में इराक की सबसे ज्यादा बुराई की। बुश ने कहा कि इराक लगातार अमेरिका के प्रति अपनी शत्रुता जाहिर करता रहता है और साथ ही चरमपंथियों की सहायता भी करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इराकी सत्ता एंथ्रेक्स, नर्व गैस और परमाणु हथियारों को हासिल करने के प्रयास करती रहती है। बुश ने इन 3 देशों को विश्व शांति के लिए खतरा बताया था।